खबर गोंडा से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गोंडा पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पार्टी के मंडलीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक करने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। चौरी चौराहे पर आयोजित किसान महासम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया। सीतापुर बैराइज के रास्ते गोंडा पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने सबसे पहले देवी पाटन मंडल के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जनपदों में मंडल प्रभारियों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में बैठक की और आगामी पंचायत चुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की। जो किसान आंदोलन चल रहा था, अब उस किसान आंदोलन में जो लोग हाथरस कांड में थे, ऐसे लोग कूदे हुए हैं और वहाँ पर नक्सलवाद और 370 धारा हटाने की बात हो रही है। अब किसान की जो समस्या है उस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है। आदरणीय तोमर जी, कृषि मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, बाकी भी सब लोग वार्ता कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बिल में कोई गड़बड़ है, तो आप बात करिए, उसका समाधान करिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने कूड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश को, अब 2022 में वो लड़ेंगे और दिल्ली के मॉडल से सरकार बनाएंगे। कहां किसका नाम ले लेते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। हमारे सहयोगी राजकुमार फुलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, क्या ये माने कि बीजेपी पंचायत चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से सारी तैयारियां जोरों पर चला रही है? बिल्कुल निश्चित, देखिए चाहे वो बीजेपी हो चाहे विपक्ष हो, जितने दल हैं वो सभी लोगों ने 2022 को लेकर अपनी अपनी गोटी बिछाने की शुरुआत कर दी है और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अब जिस समय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जब यहाँ पर आए थे किसान महासम्मेलन में, उन्होंने शिरकत की, वहां पर लोगों को, किसानों को जो किसान बिल के विरोध में जो बैठे हैं उनका धरना चल रहा है, उनको समझाया गया, उनको बताया गया, उनको जागरूक किया गया कि जो किसान का बिल है ये आप लोगों के विरोध में नहीं है, आप लोगों के पक्ष में है और इस पर आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और इसके बाद उन्होंने जो तमाम ऐसी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया था कि जो उत्तर प्रदेश में जो बिजली है वो तो फिर उन्हें बिजली दिल्ली में फ्री हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। निश्चित तौर पर ये जो विपक्ष है, जो पार्टियां हैं, वो 2022 को लेकर अपनी अपनी जमीन तलाशने में लगी हैं। और वहीं पर जब केजरीवाल पर बात की गई तो केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि किसका नाम ले लिया, मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने ममता बनर्जी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि वो बौखलाई। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इन तमाम जानकारी के लिए।